नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डीडी नेशनल पर, गुड इवनिंग इंडिया। आज है मंगलवार, तो हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जब बात आती है स्किन डिजीजेस के बारे में, खासतौर से बदलते मौसम की बात करें, मॉनसून रेनी सीजन में किस तरीके से आप रख सकते हैं अपनी त्वचा का ध्यान, तो ये रहेगा हमारा तीसरा सेगमेंट। और इस सेगमेंट में आप भी जुड़ सकते हैं फोन कॉल्स के माध्यम से। इसके साथ साथ विल बी हैविंग अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिससे हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, हेल्थ सिनेरियो, हेल्थ बेनिफिट्स एंड हाउ यू कैन लीव अ हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। लेकिन सबसे पहले मेरे पास है खास मेहमान, हु इज एन ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, अ ब्लॉगर, अ डॉक्यूमेंट्री मेकर। सो विल बी नोइंग हर लव फॉर द पेन, वो किस तरह क्या क्या लिखती है एंड हाउ शी स्टार्टेड राइटिंग, ट्रांसलेटिंग, इन्हीं के बारे में जानकारी के लिए मेरे साथ खास मेहमान आई है। मिलकर स्वागत करते हैं, आई हैव विद मी गरिमा संजय। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी। नमस्कार, थैंक यू। अब कहते हैं रीडिंग को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता, एंड सो इज द राइटिंग, द पावर ऑफ पेन इज इक्वल टू लाइक ऑफ अ स्वॉर्ड। सो आपने किस तरीके से लव एंड पैशन फॉर पेन ढूंढा कि आज यू हैव रिटन सो मेनी बुक्स और आपकी सब बुक्स भी पब्लिश हुई है? ना, ये बात सच है, और कई बार अपने को डिस्कवर करने में वक्त लग जाता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मैं लिखती थी और कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरी बुक्स पब्लिश होनी चाहिए या मेरी लिखी पंक्तियाँ भी पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे, करीब 25 years अगो मेरा मैंने कांटेक्ट किया था कुछ पब्लिशर्स को, उसमें बीजेन पब्लिशर्स थे, उन्होंने मुझे ट्रांसलेशन का काम किया दिया, और पहली बार मैंने एक्यूप्रेशर की ब्रिटिश ऑथर की एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में ट्रांसलेट किया, और ऑथर वॉज़ वेरी हैप्पी, और उन्होंने कुछ मुझे लगातार बुक्स के और काम दिए, मैं करने लगी। और फिर उनका कहना था कि इसको तुम खुद भी लिख सकती हो, कुछ बुक्स मैं देता हूँ, तुम ट्रांसलेट करो और खुद कंपाइल करो, खुद लिखो। तो उस तरीके से मैंने एक्यूप्रेशर पर, अरोमाथेरेपी पे, होम्योपैथी में भी काफ़ी बुक्स लिखी, और धीरे धीरे ऑडियो विजुअल्स पे भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकी। और मैंने NCNL उमेश जी का था, और उस उमेश उपाध्याय जी, उनके साथ में मैंने फ्रिक्वेंटली, मतलब रेगुलर बेसिस पे स्क्रिप्ट्स लिखी। IT की डेली 1 घंटे की स्क्रिप्ट होती थी ई संवाद करके, तो वो हिंदी की स्क्रिप्ट मैं करती थी। और फिर चांस था कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम मिला, मैंने UNDP के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, 2 documentaries, और फिल्म्स डिवीजन के लिए भी 2 बनाई, कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए ऑडियो स्पॉट्स भी बनाए और वीडियो स्पॉट्स भी बनाए काफ़ी। लेकिन 2011 में मेरी लास्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डिवीजन के लिए थी, शहीद मदन लाल ढींगड़ा पे, उन पे मैंने काम किया, बहुत आनंद भी आया वो काम करने पर। लेकिन वो मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट्री करके, मैंने थोड़ा साहित्य की ओर मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ने लगा था जी। और मैंने निर्णय लिया कि मैं अब इस पर ही ज़्यादा फोकस करूँगी, थोड़ा मुझे थकान भी शायद होने लगी थी। तो एज अ स्टूडेंट आप कैसी थी बचपन से ही, जैसे ऐसे राइटिंग्स या फिर जितने भी लिखने, पोइट्री हो, क्या रुझान था जब आप स्कूल गए थे? बिल्कुल था, रुझान था। और एक बार मुझे याद है, आई वॉज इन 7th or 8th standard, मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं था, और हमें ऐसे दिया गया था योर ग्रैंडफादर पर लिखने को। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि, तो उन्होंने कहा तुम कुछ कुछ लिख कर बताओ, वो ऐसे ऐसे थे, तुम कुछ लिख कर दिखाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम क्या लिखना जानती हो। तो मैंने जब लिख कर उन्हें पढ़कर सुनाया, वो बहुत खुश हुए, और ही वॉज़ अ टीचर, लेकिन बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि हम लोगों की तारीफ हमारे सामने कर दें। तो मेरी माँ से उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था ये इतना अच्छा लिखती है, वो ऐसे तो इंग्लिश में था, लेकिन मेरा हिंदी में भी बहुत रुझान था, मेरी मदर हिंदी की लेक्चरर थी एक्चुअली जी, तो सब्जेक्ट तो नहीं, डिसिप्लिन आपकी फैमिली में था, लिखती आप बहुत अच्छा थी, रुझान भी था आपका राइटिंग की तरफ जी। तो जाहिर सी बात है आगे आकर, तो फिर जब आपने फॉर्मली लिखना शुरू किया, बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि जब आप फॉर्मल उस प्लेटफॉर्म पर आती हैं तो बिल्कुल किस तरीके से आपने अपने पैशन को आगे लेकर आई? पता नहीं, कभी कभी लगता है कि जब आप किसी अपने पैशन को फॉलो करते हैं बहुत ईमानदारी से, तो शायद नियति आपका साथ देती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ,
चैलेंजेस तो बहुत आए और लेडीज की लाइफ में तो ज्यादा ही आते हैं, और फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत सारे होते हैं, आपके घर में बहुत सारे अचानक ही गेस्ट आ जाते हैं जो आपको ही डील करने होते हैं। जेंट्स ना भी हो तो चलेगा, लेकिन लेडीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारे चैलेंजेस तो आए, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ होता चला गया। डेस्टिनी वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। और फिर आपकी पहली नॉवल स्मृतियाँ, उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को भी दिखाए कि कैसी स्मृतियाँ हैं जो जिन्होंने आपने इकट्ठा करके कंपाइल दिस बुक। स्मृतियाँ ऐसे आई कि मैंने, जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रही थी उसी दौरान 2005 में, कृष्णा शाह फिल्म मेकर थे, उनकी एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की। उस वर्कशॉप में उन्होंने कहा कि कुछ कहानी डेवलप करो, तो मैंने स्क्रिप्ट जी, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। और इनफैक्ट मैं डॉक्यूमेंट्रीज और उसके पहले नॉन फिक्शन लिखते लिखते मैं एक चीज़ रियलाइज़ करती थी कि अगर आपको कोई मैसेज देनी है सोसाइटी को, तो फिक्शन बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है। कहानी, उपन्यास लोग चाव से पढ़ते हैं, और उसके बहाने आप अगर किसी को कुछ समझाना चाहो या बताना चाहो तो वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से इंस्टॉल होता है। तो शायद तभी हम छोटे बच्चों को भी यू नो दादी नानी की कहानियां कहते हैं, मॉरल वैल्यूज के लिए बिकॉज़ आई थिंक ये सबसे एक इजीएस्ट और एक बहुत ही क्लोज तरीका है जिससे बॉन्ड भी बढ़ता है और एक आपका मैसेज भी पहुंच जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने भी बचपन में बहुत कहानियां सुनी है और अमर चित्रकथा पढ़ती थी और उन्हीं कल्पनाओं में खोती थी। तो मैंने स्मृतियां भी इसी तरीके से शुरू जरूर 2005 में मैंने उसका ड्राफ्ट बनाया। फिर 2011 में जब मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म रोकी और थोड़ा मुझे अपने लिए वक्त मिला, तब इसको मैंने कहानी का रूप दिया। और इसमें कहानी है, बहुत ही सिंपल सी एक कहानी है रिश्तों पर आधारित, कि दो युवक और युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन पारिवारिक माहौल ऐसा है कि दोनों की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन उस बीच में दोनों के मनोभावों को मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि वो आंतरिक द्वंद में कहाँ तक उलझते हैं और कितना ज़्यादा उलझते हैं, कहाँ तक पहुँच जाते हैं, मैंने इसी को दर्शाने की इसमें कोशिश की थी। बिल्कुल। और फिर एक किताब के बाद सिलसिला आगे बढ़ता रहा, सिलसिला बढ़ता रहा जी, खट्टे मीठे से रिश्ते तक आप पहुँच जी। खट्टे मीठे से रिश्ते मेरी अभी अभी जून में ही प्रकाशित हुई है। इस कहानी को मैंने इस तरीके से, इसका बीजारोपण हुआ कि रिश्तों पर, आप देखिए सोशल मीडिया में सबसे अधिक मीम्स बनते हैं तो रिश्तों पर बनते हैं। हम सभी अपने रिश्तों पे कभी कभी मजाक भी बनाते हैं, कोई अपनी बुआ और फूफा का भी मजाक बनाते हैं। तो मैं अक्सर सोचती थी हम भी तो बुआ फूफा किसी के होते हैं। बिल्कुल। अक्सर पतियों को मैं देखती हूँ कि अपनी पत्नी की मजाक पर बहुत सारे जोक, सबसे अधिक जोक्स जो आते हैं, मैं कई बार, मेरी महिला मित्र भी होती हैं वो जोक्स भेजती हैं पत्नियों पर। मैं सोचती हूँ ये खुद भी तो पत्नी है, इनको कैसे मज़ा आ रहा है। लेकिन ये आयरनिकल है कि हम लोग हंस देते हैं उस पर, एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन अगर सीरियसली देखो तो क्यों मजाक बना रहे हैं। रिश्तों को हम बहुत ही शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, हमारे पास दोस्त हैं, पर दोस्त भी तो कहीं ना कहीं एक अच्छे रिश्ते होते हैं। बिल्कुल। तो रिश्तों की कुछ खींचातानी ऐसी होती हैं, उनको मैंने एक कहानी के माध्यम से जितना समझा सकती थी या दर्शा सकती थी, वो मैंने इस कहानी में कोशिश की है, दो पात्रों को लेकर के। और इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो पसंदीदा पात्र इसमें वो है लता जी, जो सबसे अधिक नेगेटिव मानी गई हैं इस कहानी में। वो इसीलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो कहानी में उन्हीं का हो रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम में हो जाता है तो हम नायक बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं उनको हम दूर करके और उससे उभर आते हैं, उन कमियों को दूर करके उभर के आते हैं, तभी हम अपने को नायक मान सकते हैं। तो लता जी को मैं इस कहानी का नायक मानती हूँ, पढ़ने वाले हो सकता है अविनाश और गौरी को मानेंगे। बिल्कुल। और फिर ये एक जॉनरे की राइटिंग हो गई, आतंक के साए में जी, अपनी उस रचना के बारे में भी बताएं। 2008 में जब ताज अटैक हुआ, उस समय पूरा देश शॉक था, केवल मैं ही नहीं। उसी समय एक कपल चंडीगढ़ के शायद थे वो लोग,
और टीवी में न्यूज़ चैनल में उनका इंटरव्यू दिखाया। बारिश तो बहुतों की आ रही थी जिनके लोग वहाँ फंसे हुए थे ताज पैलेस में, लेकिन उनका था, उनके बेटे से उनकी कुछ सेकंड्स की बात हुई थी और वो बच्चा वहाँ पर इंटर्न करने गया हुआ था। उसने बताया मैं वहीं पर फंसा हूँ और उसके बाद बात नहीं हुई। उसी दौरान इसका एक सीड डेवलप हुआ मेरे मन में कि इस पर एक कहानी लिखनी चाहिए, क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर जो वहाँ पर बंद कमरों में फंसे होंगे। बिल्कुल, वहाँ पर शायद लाइट भी नहीं होगी, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होगा और बाहर आतंक, बाहर गोलियाँ चल रही होंगी, वो कुछ करने। तो एक 30-32 साल के लड़के के नज़रिए से ये कहानी मैंने लिखी है। ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं महिला होकर के एक लड़के के नज़रिए से सोच कर लिख रही थी और पाठकों के हिसाब से मैं काफ़ी हद तक सफल हुई। पोइट्री का भी इस्तेमाल किया। पोइट्री इसके जी हाँ, हाँ, नायक मेरा है अमृत, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है कि वो कविताएं लिखती थी, क्यों लिखती थी, उसी के बारे में मैंने लिखा है, द्रौपदी करके है। द्रौपदी तुम रो नहीं सकती, तुम तो वीरांगना हो, नारी के आत्मसम्मान की पराकाष्ठा हो, तुम चट्टान बनकर डटी रह सकती हो लेकिन टूटकर बह नहीं सकती, भावनाओं के ज्वार को अपने विशाल हृदय में स्थान देती हो, उन भावनाओं को बहाकर बिखर नहीं सकती, तुम तो पराकाष्ठा हो, संयम और सहनशीलता की पराकाष्ठा हो, तुम किसी तरह से कमजोर हो नहीं सकती, द्रौपदी तुम रो नहीं सकती। बिल्कुल, लेकिन सच में क्या होता है, सच में क्या होता है कि अक्सर द्रौपदी रो रही होती है कहीं। तो मैंने उसको एक अगली कविता, आपके शब्दों की पावर कहे, वो जो हिम्मत कहे, वो सुनने को मिलती है। नारी शक्ति सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे पास में एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि आपके लेखन से हम प्रभावित हैं, तो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं गई वहाँ पर, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकातें भी हुई और काफ़ी चर्चाएं भी हुई, साहित्य के बारे में भी, समाज के बारे में भी। मैं बेसिकली समाज के ही लिए लिखती हूँ, तो वहाँ पर, और ब्रह्मा कुमारी ने भी पिछले दिनों मुझे सम्मानित किया था, उनके वहाँ पर भी हुआ। बिल्कुल, थॉट्स कहे, राइटिंग, पोएट्री, इन सब में आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया और आई थिंक लोगों को पढ़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए बहरहाल, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू।